सीआरपीएफ का क्या है इतिहास, स्थापना के बाद सीआरपीएफ का कैसा रहा है सफर, देश को एकजुट रखने में कैसे देता है योगदान, देश में कहीं भी माहौल बिगड़ जाए, जोरदार फसाद हो या फिर देश की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हो, आप देश के उन वीर सपूतों को ऐसे माहौल में तैनात देखेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ा उदाहरण और क्या होगा, जहां लगातार ये जवान तैनात रहते हैं, बिगड़ैलों को सबक सिखाते रहते हैं। देश के ये जवान उस अर्धसैनिक बल के हिस्सा हैं जिन्हें सीआरपीएफ कहा जाता है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन जवानों को भारतीय सेना के सैनिकों जितनी सुविधाएं सैलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन जान का खतरा इन पर उतना ही बना रहता है जितना कि एक इंडियन आर्मी के सैनिक पर। सवाल ये है कि आखिर सीआरपीएफ की स्थापना क्यों की गई, कब की गई और इसका मकसद क्या रहा था। तो चलिए जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में सब कुछ। सीआरपीएफ की स्थापना कब? जैसा कि हमने बताया, देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति को बरकरार रखने का काम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ करती है। भारत का ये सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ को अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में भी जाना जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। उस वक्त इसका गठन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तब 1949 में 28 दिसंबर को इसका नाम बदला गया और इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। उस वक्त देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इसकी बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी, जिस पर सीआरपीएफ हमेशा खरा उतरता है। सीआरपीएफ के गठन का मकसद। आज़ादी मिलने के कुछ साल पहले सीआरपीएफ के गठन की जरूरत समझी गई थी। इसको देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार किया गया था। सीआरपीएफ के जवान अपने इस मकसद को हमेशा कारगर करते आए हैं। देश की एकजुटता को बरकरार करने के लिए सीआरपीएफ के जवान सजग तो रहते ही हैं, बॉर्डर इलाकों में ये चीन और पाकिस्तान से भी लोहा लेते नजर आते रहते हैं। लद्दाख का बॉर्डर इलाका इससे सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के अशांत इलाकों पर काबू पाने के लिए ये डटकर खड़े रहते हैं। जहां तक देश के नक्सल प्रभावित इलाकों की बात है, वहां भी सीआरपीएफ के जवान उनको मजा चखाते नजर आते हैं। भारतीय शांति सेना के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ियों को श्रीलंका तक भेजा गया है, जिसमें महिला सैनिकों की एक टुकड़ी भी शामिल थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक अंग के रूप में हैती, नामीबिया, सोमालिया और मालदीव भी सीआरपीएफ के जवानों को भेजा जा चुका है। सीआरपीएफ की शौर्य गाथा। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले को देश भुला नहीं सकता है। वहीं इस हमले के मकसद को नाकाम करने में योगदान देने वाले सीआरपीएफ के वीर सपूतों की बहादुरी और शहादत को भी देश भूल नहीं सकता है। उस वक्त दहशतगर्दों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच तकरीबन 30 मिनट तक गोलीबारी होती रही, जब तक पांचों दहशतगर्द को सीआरपीएफ के जवानों ने मिट्टी में मिला नहीं दिया, तब तक वो उनका मुकाबला करते रहे। हालांकि इस हमले में सीआरपीएफ की एक महिला सिपाही शहीद हो गई, जिन्हें उनकी वीरता के लिए 2002 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। संसद के हमले को नाकाम करने के अलावा सीआरपीएफ ने 70 और 80 के दशक में भी खास भूमिका निभाई थी। 70 के दशक में जब उग्रवादियों ने त्रिपुरा और मणिपुर की शांति को भंग किया था, तब वहां शांति बहाल करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं 80 के दशक में पंजाब जब खालिस्तानी संकट से गुजर रहा था, तब वहां शांति बरकरार करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने ही किया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।